समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। गाइस स्वागत है आपका यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है कंट्रोल चार्ट्स। तो टॉपिक्स थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं बट मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग से समझाऊंगा जहां से बेस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, आप तो बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। हिस्टोग्राम क्या है, एक बार ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या है ये, किसी भी डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कंसिस्ट वर्टिकल बार्स दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी और काउंट ऑफ डेटा विद इन स्पेसिफिक इंटरवल्स। तो ये क्या करता है कि ये वर्टिकल बार्स होते हैं इसमें और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कितनी बार कोई चीज हो रहा है, ठीक है, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी या फिर काउंट ऑफ डेटा, तो इसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। विद इन स्पेसिफिक इंटरवल मतलब एक टाइम लिमिट के बीच में, अभी आगे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हेल्प्स विजुअलाइज शेप सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ डेटा, तो ये शेप बताता है क्योंकि अब जब बार ग्राफ बनेगा तो उससे एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर सेंटर बताता है और स्प्रेड ऑफ डेटा, डेटा कहाँ पे कितना स्प्रेड है। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दो चीज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। पहला आपका पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, दूसरा अंडरस्टैंड करता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, वो आपको मैंने ऊपर बता दिया है। अब आप देखो सोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन में बताएगा कि भाई नॉर्मली आपका जो रेट रहता है वो कितना कांस्टेंट चलता रहता है और अब जो है यहाँ पे कितना अप हुआ है, मतलब ये ऐसे हो गया या फिर कितना डाउन हो गया है, तो इसके बारे में भी हमें बताता है, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन हो गया। वेरिएबल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि डायमेंशंस ऑफ अ कंपोनेंट ले लो, तो कोई कंपोनेंट है उसके डायमेंशंस, भाई आप आउटर डायमीटर नाप रहे हो किसी चीज का, बार बार नाप रहे हो, या फिर मतलब कई ऐसे सिमिलर डिवाइसेस हैं, एक सॉफ्ट आप बना रहे हो सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो हर पीस का अगर आप आउटर डायमीटर नाप रहे हो तो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वो चीजें जो होती हैं उनकी भी बात हो रही है। ओके, फिर सिलिकन का कितना परसेंटेज है स्टील में, है ना, स्टील में कितना परसेंट आपका सिलिकन है, वो चीजें हो गई। प्रोसेस पैरामीटर्स को भी मेजर करने के लिए होता है कि आप बार बार टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोडक्ट प्रोसेस विद इन स्पेसिफिक लिमिट एवरेज एंड वेरिएबिलिटी लेवल सुटेबली कंट्रोल, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट या प्रोसेस के स्पेसिफिक लिमिट मतलब कि प्रोडक्ट प्रोसेस को अच्छा दिखाना है तो उसकी जो एवरेज है मतलब एक होगी हाई वैल्यू, एक होगी लो वैल्यू, एक होगी एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के पास तुम्हें उसको रखना पड़ेगा, तो भी आपके एवरेज एंड वेरिएबिलिटी लेवल्स सुटेबली कंट्रोल्ड मतलब इनको आपको सही से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। तो डायग्राम देख लेते हैं, मैं आप क्वांटम से थोड़ा सा आपको समझा दूंगा तो आप इजिली समझ जाओगे। देखो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो ये आपका क्लास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, ये मतलब ये बताया जा रहा है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, तो समझ लो कि कितने बच्चे हैं जो 3 या 30% नंबर पाए हैं, ठीक है, या कुछ भी समझ लो 3 नंबर पाए हैं, ठीक है, 3 नंबर पाए हैं, ओवरऑल समझ लो कि 3 नंबर पाए हैं, तो एक क्लास में 10 से 20 बच्चे हैं, मतलब देखो लिमिट क्या है कि 10 से नीचे नहीं 20 से ऊपर नहीं, ठीक है। तो क्लास में जो 10 बच्चे हैं 10 से 20 के बीच में, तो कितना हो गया क्लास इंटरवल और विड्थ, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। 20 से 30 देख रहो, तो 20 से 30 लोग जो लिमिट है उसमें 5 लोग हैं, 30 से 40 9 लोग, 40 से 50 19 लोग, तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी कॉपी चेक होके आई है, तो 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, जैसे राम श्याम और अनुभव, तो ये 3 बच्चे हैं, तो इन 3 बच्चों के नंबर जो है किसी का 11 है,
किसी का 15 है, किसी का 17 है, ठीक है। तीन बच्चों का 10 से 20 के, 20 के बीच में नोट, 20 के ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 20 से 30 के बीच में 5 बच्चे हैं, ठीक है, समझ गए ना इस तरह। 9 बच्चे हैं 30 से 40 के बीच में, और 50 से 60 के बीच में 6 बच्चे हैं, 60 से 70 ये, और जो टॉपर ऑपर होते हैं तीन ही हैं, तीन ही टॉपर निकल के आए हैं 80 से 90, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। तो अब ये कहा जाता है कि जब भी आपका ये जो कर्व होता है, ये जब एक बेल शेप लेता है, बेल शेप, तो बढ़िया होता है, ठीक है। उसको कर्व जो ऑप्टेन फॉर सर्टेन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले फिगर को, तो इसमें ये है हमारा 0 से 10 के बीच में एक को नहीं थे, 10 से 20 के बीच में तीन थे, देखो ये तीन है, ठीक है, तीन है। फिर हमारा 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 5, 9, 19, ठीक है। तो पांच देख लो, 20 से 30 के बीच में पांच है, इधर 9 होंगे, ठीक है, इधर 19 होंगे, ठीक है, ये 19, ठीक। तो ऐसे पहले कर्व तुम्हें ड्रॉ कर लेना है, इधर क्लास इंटरवल लिख लेना, इधर फ्रीक्वेंसी लिख लेना, जो भी वैल्यू रहे जिसमें तुम्हारा वो सेट हो, उसको लिखने के बाद आराम से ये डिब्बे बनाते ना, वो जोड़ के डिब्बे बना, डिब्बे बनाने के बाद जो इनके मिड पॉइंट्स रहेंगे उनको जो ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना, बस खत्म। ये हिस्टोग्राम होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए होता है, और कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कंस्ट्रक्शन, ये आपका आई थिंक ये किस चीज का कंस्ट्रक्शन है आपका, ये हो जाएगा, सॉरी सर इसी में है, सॉरी, ये है आपका पैरेटो डायग्राम। तो पैरेटो डायग्राम देख लेते हैं, पैरेटो डायग्राम क्या है, विजुअल टूल दैट डिस्प्लेज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। तो विजुअल टूल है ये भी, ठीक है, आपका विजुअल टूल है, ठीक है, विजुअल टूल जो कि डिस्प्ले करता है रिलेटिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता था, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। और कंस्ट्रक्शन बाय अरेंजिंग कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड प्लॉटिंग देम एज बार्स, वाइटल फ्यू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट मेजॉरिटी फैक्टर्स। तो यार इनकी कहानी सुन लो पहले थोड़ा सा। डिस्कवरर हैं इसके अल्फ्रेडो और पैरेटो, अल्फ्रेडो पैरेटो एक ही नाम है, 1906 में। इनकी कहानी ये थी कि भैया इन्होंने देखा कि किसी कंट्री से थे, यार वो कंट्री अगर मिल जाए तो बता दे रहा हूँ, पैरेटो डायग्राम इन दिस केस टू मशीन्स फ्यू पीपल, हाँ तो ये यूरोप से थे, तो यूरोप से थे, तो यूरोप में सीन ये हुआ कि इनको दिखा कि जो 80% इनकम जनरेट हो रही है, इनकम है वो 20% लोगों के पास है, कि जो 20% लोग हैं बहुत अमीर हैं, हद से ज़्यादा अमीर है, 80% दो वो पूरे यूरोप की जो वेल्थ है, इनकम है, या फिर जो समझ लो सोर्स, एक तरफ से वेल्थ, वेल्थ समझ लो, तो वेल्थ 80% वेल्थ 20% लोगों के पास है। तो वहां से इन्होंने एक फैक्टर निकाला कि भाई इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। आपने 80-20 रूल सुना होगा ना, कि 20% अच्छे से पढ़ो, ठीक है, 20% सिलेबस से आपका 80% पेपर बन के आता है, ये फैक्ट है। तो वो 20% अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आप 80% नंबर पा सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये चीज थी, इनकी कहानी यही थी, ठीक है, इनको वेल्थ दिखा, तो वहां से इन्होंने इस चीज का इजाद किया। कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंजिंग कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 49 है, फिर 26 है, फिर 10 है, यहाँ पे 19 है ना, 19 अगर यहाँ पे बन जाए तो ये आपका पैरेटो डायग्राम हो जाएगा, 19 बन जाए फिर ये आपका 9 बन जाए, जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगा तो आपका हो जाता है पैरेटो डायग्राम, सिंपल। फिर आप देखो तो क्या है, डिस्कवर होगा हिस्टोग्राम और पैरेटो में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा वैल्यूज, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी फैक्टर्स, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट को आइडेंटिफाई करता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंडली हमारा क्या है, रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस डेटा और डील्स विद कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट डेटा, सिंपल सा वही है यार, दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान से देखो, डिटरमाइन द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कॉज नॉन कन्फर्मिटी, मतलब पहले आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आपको क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना है ना, किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, प्रॉब्लम पे या कॉज पे या नॉन कन्फर्मिटी पे, ठीक, तीनों पे आप बना सकते हो इसको, डिजाइन कर सकते हो। फिर डिसाइड रैंक फैक्टर, रैंक फैक्टर मतलब कि आप डॉलर लेना चाहते हो या फिर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो चीज़ें हो रही हैं, या फिर मनी वाली वैल्यू लेना चाहते हो,
कलेक्ट डेटा फॉर अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से लेकर 90 तक के बीच का टाइम इंटरवल है, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी कुछ टाइम इंटरवल होगा, जैसे 29 से लेकर के 51 तक के बीच का डेटा होगा यहाँ पे। फिर आप देखो समराइज द डेटा एंड रैंक ऑर्डर, ठीक है, आपको ऑर्डर जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसा कि इसमें लिखा हुआ, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका आ जाएगा क्या है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट डायग्राम, फाइंड वाइटल फ्यू। तो जब डायग्राम बना लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वाइटल फ्यू क्या है। अब ध्यान से देखो, ये है, ये हमारा नॉन कन्फर्मेटिव फ्रिक्वेंसी, तो जो नॉन कन्फर्मेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, वो है हमारी यहाँ पे 49%, 49% है। मगर यहाँ पे देखो जो एक मशीन है हमारी, मशीन नंबर 35 में जो नॉन कन्फर्मेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 49% है, ठीक है, मशीन नंबर 35 में। वहीं पे आप देखोगे पैसे की बात की जाए तो मशीन नंबर 35 जो है 21% नुकसान करा रहा है, ठीक है, नुकसान जो हो रहा हमारा वो 21% हो रहा है 35 से। जो पैसे का ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारी 51 नंबर मशीन से हो रहा है। देखो 51 नंबर मशीन पे 53% का पैसे का नुकसान है, जो कि वहीं पे 35 नंबर, यहाँ कन्फर्मिटी ज्यादा है, मतलब एक मशीन है 35, एक है मशीन नंबर 35, तो 35 जो सामान बना रही है वो ज्यादा खराब है, मान लो 100 है, वहीं पे मशीन नंबर 51 है, ठीक है, 51 जो बना रही है वो 40 ही है। मगर अगर ध्यान से देखोगे आप तो जो मशीन नंबर 35 है वो 1 लाख का नुकसान करा रही है, मगर मशीन नंबर 51 हमारा 5 लाख का नुकसान करवा रही है, समझे, यही चीज है इसमें। तो अब इससे आपको पता चल गया कि हमें किस फैक्टर पे काम करना है, ठीक है, हमें पैसा बचाना है या सामान, तो ये चीजें यहाँ पे इस चीजें इससे होती हैं। अब आप देखो तो आपको मिलेगा प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम देखते हैं अगला जो है हमारा, ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सो प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या है, यूज्ड इन एनी इंडस्ट्रीज टू इंडिकेट जनरल फ्लो ऑफ प्लांट प्रोसेस और इक्विपमेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि काम कैसे हो रहा है, प्रोसेस, एक प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस हो रही है ना, उसके बारे में जहां हमें पता चलता है वो होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। नाम से अगर प्रोसेस प्रोसीजर का जो डायग्राम है, जो फ्लो हो रहा है, उसको अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो क्या होगा, जैसे आप पहले पैदा होते हो, फिर नर्सरी में जाते हो, फिर केजी, पढ़ाई वाला बता रहा हूँ मैं, तो नर्सरी में जाते हो, केजी में जाते हो, ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह 1 2 3 4 5, फिर कॉलेज आते हो, कॉलेज के बाद फिर एमबीए करना है, जो भी एमटेक करना है, तो ऐसे जो ये फील्ड है, ठीक है, ये एक टाइप का हो गया। या फिर आप रूटीन ले लो अपना, रूटीन वर्क, सुबह उठते हो क्या करते हो, शाम तक क्या करते हो, वो चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यूज़ सिंबल्स एंड एरोज टू इलस्ट्रेट स्टेप्स, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड कनेक्शन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। तो एरो एरो का इस्तेमाल करता है, डायग्राम देख लो, टेलीफोन है, फैक्स है, लेटर है, ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से हमें कुछ पता चलता है, ठीक है। तो मान लो हमें कुछ भी कोई डिमांड आई, अगर ध्यान से देखो तो मान लेते हैं ये क्या है हमारा, एक कस्टमर है जो कि हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है कि ताकि वो अपनी एक ऑर्डर प्लेस कर सके, ठीक है, तो टेलीफोन से उसने कॉल कर दिया, या फैक्स से कर दिया, या लेटर से कर दिया, ठीक है, आया मेरे पास, लॉगिन हुआ, ठीक है, लॉगिन होने के बाद हमने क्रेडिट चेक किया, पैसा है उसके पास, कहीं हमको लूट के भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, हमसे काम करवा ले, हमको पैसा ना दे, तो क्रेडिट चेक किया, क्रेडिट चेक करने के बाद हमने वो डिसाइड किया कि होल्ड करना है या फिर उसको नहीं करना, अगर ओके है, मान लो उसके पास पैसा है, सब एडवांस कैश जो भी चीजें हैं जो हम डिमांड कर रहे हैं वो दे देना है, तो हमने कहा ओके ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट रिव्यू करो, ठीक है, तो अगर मान लो पैसा नहीं दे रहा है तो हमने होल्ड किया, ये होल्ड है, ठीक है, हमने होल्ड किया कि हम देखेंगे क्या हमारे, क्या हम थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या हम थोड़ा सा अपने आप में कुछ कंपनसेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, और उसके बाद हम फिर उसको आगे भेज दिए कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में। अब ये जाता है हमारा इन्वेंट्री चेक में, इन्वेंट्री चेक में क्या होता है, इन्वेंट्री चेक में चेक करता है कि क्या उस प्रोडक्ट को करने के लिए जो जो भी उसकी डिमांड है प्रोजेक्ट की, क्या उसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री में इनफ है, तो अगर आता है इन्वेंट्री में यस, तो हम प्रोडक्शन को शेड्यूल करते हैं, और फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है, शेड्यूल प्रोडक्शन में हम उसको कॉल कर देते हैं, बता देते हैं भैया आपका सामान इतनी तारीख को रेडी हो जाएगा, आके ले जाइएगा, ठीक है, तो चीज इसमें आ जाता है। अब चेक शीट्स की बात कर लें तो ये मतलब आपका इतना ही है, ठीक है, इसका डायग्राम देख लेना, रट लेना अगर रटना है तो,
वरना इजीली बना सकते हो, ठीक है, सोच के भी। चेक सीट्स की बात करें तो क्या है, सिंपल डेटा कलेक्शन टूल, सिंपल डेटा कलेक्शन टूल, सिंपल डेटा कलेक्शन टूल, डेटा कलेक्शन टूल है, यूज टूगेदर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, रियल टाइम है, रियल लोकेशन है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा दोनों टाइप के डेटा को ये स्टोर करता है। डिफेक्ट कंसंट्रेशन डायग्राम है ये, डिफेक्ट का जो कंसंट्रेशन है उसको भी ये डिपेक्ट करता है। मैनुअल सीट एंड टैली सीट भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग मैनुअली भी करते हैं, और टैली सीट पे जो जो ऐसे 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 करके काटने वाला होता है ये भी आपका होता है, ठीक है, सॉरी। तो फाइव टाइप्स के होते हैं ये, फाइव टाइप्स के। पहला क्या है, एट्रीब्यूट सी एस, और दूसरा क्या है, वेरिएबल सी एस। तो एट्रीब्यूट सी एस में क्या होता है, यस नो ओके नॉट ओके। तो देख लो ये फिगर है, यहाँ पे पैरामीटर्स है, पोरोसिटी है, ओवरलैप है, सैगिंग है, आपका क्रेटर है, स्पैटर है, ठीक है। तो हम लोग चेक करें कितनी बार फ्रीक्वेंसी, भाई 5 बार हो रहा है ये, तो मान लो एक अलग टाइप का है, आप इसको देख लेना, पांचों ना अलग अलग होते हैं। एट्रीब्यूट वाले में यस नो रहता है, पैरामीटर क्या है ये हमने चेक किया, हमको चेक करने पता चला कि भाई पोरोसिटी है ओके यस, और रिमार्क क्या होगा, नॉट ओके, ओके नहीं है, ओवरलैप डस्ट तो क्या ये है, नहीं है ओके नो, तो ये ओके, ठीक है। अच्छा सैगिंग 7 है, तो 7 है सैगिंग अगर, तो क्या है, तो हमने देखा यस, तो नॉट ओके, है ना। तो ऐसे जो होते हैं सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसको हम लोग एट्रीब्यूट सी एस बोलते हैं। वेरिएबल आपका चेक सीट क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, जैसे आपकी कंपनी है साफ्ट बना रही है ना, गोल गोल साफ्ट बना रही है, बार बार आप उसके डायमीटर को नाप रहे हो, डायमीटर को नाप रहे हो, डायमीटर को, तो पहले वाले में 20.01 मिला, दूसरे वाले में 20.03 मिला, 20.04 मिला, तो इसको जो है यहाँ पे डिपिक्ट करने के लिए, तो पैरामीटर आपका हो गया क्या, जो भी आपका मान लो साफ्ट डायमीटर, ठीक है। पहले आपने देखा फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने निकाला फ्रीक्वेंसी हुआ, नहीं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख लिए, 1 में हमारा इतना आया, 2 में इतना आया, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, तो साफ डायमीटर जो एक ही रहेगा, मगर आपके वो प्लस माइनस करके आप बहुत सारे बना सकते हो। लोकेशन चेक शीट क्या होता है, लोकेशन चेक शीट होता है जिसमें आपके डिफेक्ट्स पता चलते हैं ना, जैसे कार का दरवाजा हो जाएगा, ठीक है, कार का जो दरवाजा रहेगा वो उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ एक डिफेक्ट है, यहाँ एक डिफेक्ट है, यहाँ एक डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, तो ये सारे डिफेक्ट जो हैं इनको यहाँ पे डायग्रामेटिकली लिया जाता है, ठीक है, डायग्राम्स में रहते हैं। और आपका फिर डिफेक्ट कॉज सी एस है, यहाँ पे हम कॉज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और चेक शीट्स को भी कॉज को लिखते हैं, भाई क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, पैरामीटर वहाँ नहीं, वहाँ वाई आ जाता है, ठीक है। चेक कन्फर्मिंग चेक शीट, ठीक है, तो कन्फर्मिंग चेक शीट्स हो गया, इस टाइप के आपके 5 होते हैं पूरे। फिर प्रोवाइड्स बेसिक डेटा टू हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट्स एंड मेनी मोर। तो ये क्या करता है, बेसिक डेटा जो है देता है किसको, आपके पैरेटो और जो भी आपका हिस्टोग्राम वाले को, ये अब बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है, तो ये बेस काम करता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, डेवलप बाय डॉक्टर कौरू इशिकावा इन 1943। इसको डेवलप किए थे कौरू इशिकावा 1943 में, ठीक है, ऑल्सो नोन एज इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम। तो इसको हम लोग इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, विजुअल टूल है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करता है पोटेंशियल कॉजेज लीडिंग टू इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन आई होप सो बहुत आसान है, क्लियर हो गई होगी। ये एक ऐसा टूल है, विजुअल, विजुअल मतलब ग्राफिकल, ठीक, ग्राफिकल समझ लो, आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है क्या कारण है जो कि नुकसान कर रहे हैं या जो कि लोडिंग टू लीडिंग टू इफेक्ट। अब देखो सिंपल से, हमारी मछली है, ये मछली के शेप का दिखता है ना, इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, मतलब मछली के ऊपर का खाल वाल जब उखाड़ दोगे तो ऐसी मछली दिखेगी। अब देखो भाई मेरी मछली है, आप लोग की मछली कैसे है वो देख लेना, ठीक है, तो ड्राइंग ड्राइंग हमको नहीं आती थोड़ा। चलिए फिर यहाँ पे आप देखो तो क्या है, लेस प्रोडक्टिविटी। इफेक्ट क्या है, ये इफेक्ट है हमारा, ये हमारा इफेक्ट है, तो इफेक्ट है लेस प्रोडक्टिविटी। तो हम अब चेक करने पहुंचे क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट को चेक किया, इन्वायरमेंट में क्या है, नॉइज है, टेम्परेचर है, नॉइज तो नहीं है, मतलब जो वर्कर्स हैं हमारे उनको काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, अरे हो सकता है इसकी वजह से हमारी लेस प्रोडक्टिविटी हो, काम उनको इतना शोर रहता हो कि उनका ध्यान एकदम सर ऊपर चढ़ जाता हो, वो डिसिप्लिन की गोली खाना पड़ता हो, ऐसा तो नहीं है। उसको देखे टेम्परेचर, देखे कहीं उनको गर्मी तो ज़्यादा नहीं लगती कि इससे उनका वो
जो है तुम्हारा काम का वो स्लो डाउन कर दिए हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें होगी, अब मैन पावर पे आते हैं, जो लेबर भैया हैं, लेबर भैया को बताएं हम कि भैया ये काम आप ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा, है ना। और फिर मोटिवेशन, ऐसा तो नहीं कि हम एक ही 10 साल से एक ही पगार है, 10,000-12,000 देते हैं, तो उसको इंसेंटिव दो, कुछ बढ़ा दो उसको भैया, तो वेज जो है उसके वेज को बढ़ाओगे तो मोटिवेशन मिलेगा। तो हो सकता है शायद यहाँ पर प्रॉब्लम हो, बोलो कि जो बढ़िया काम करेगा उसको अगले 5 साल में या अगले 1 साल में 10 लाख का इंसेंटिव मिल जाएगा, थोड़ा दानी बनो। चलो फिर देखते हैं क्या, मशीन, मशीन आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या हो गया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तो अपडेटेड है ना, ऐसा नहीं कि वो अपडेटेड हो गया हो, वो तुम अभी एंड्रॉयड 1 चला रहे हो या जो भी है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, यहाँ 12, 13, 15, 20 पहुँचने वाला है, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर आपका प्रोक्योरमेंट, मटेरियल्स जहाँ से आ रहे हैं, इजली पहुँच तो जा रहे हैं, नहीं तो पता चला मटेरियल आ ही नहीं रहा है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। मेथड्स हो गया, हमने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन है या लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट में हमने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल इंटीग्रेशन प्रोडक्शन, तुम समझ लो कि सारी चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। रूट कॉजेस नॉट आइडेंटिफाइड, यहाँ पे रूट कॉजेस नहीं पता चलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कॉजेस पता चल जाते हैं। क्या पता चलते हैं? पोटेंशियल कॉजेस, है ना, जैसा कि यहाँ लिखा है कि भाई क्या कमी हो सकती है। रूट कॉजेस जानने हैं तो आपको साइट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा हर एक चीज, तब तुमको रूट कॉज पता चलेगा। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ठीक समझ ही रहे हो, स्ट्रक्चर्ड है। फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के लोग आके बैठते हैं, वो बात करते हैं कि ये हमारे निकाला है, ये आपने निकाला है, इसको हम लोग मैच करते हैं, तो कोलैबोरेशन बढ़िया होता है। फिर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, रिपीटिव चांसेस, मतलब ये है कि भाई किसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका फिशबोन डायग्राम है वो दूसरा हो सकता है, भाई कोई एनवायरनमेंट को यहाँ लगा सकता है, कोई मशीन को वहाँ लगा सकता है, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कोलिजन हो जाता है आइडियाज़ में कि हमारा ऐसा है तुम्हारा वैसा बना, तो कम समझने में वो दिक्कत हो सकती है। दूसरा रिपीटेटिव चांसेस है, भाई मान लो बिल्कुल डिक्टो ऐसा किसी और ने बना दिया आपके ही टीम में, तो मतलब कि क्या हुआ, आप भी वही काम कर रहे थे, वो भी वही काम कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और प्रोडक्ट दे देते, उसको प्रोजेक्ट दे देते जिसपे वो अपना सोच के दिमाग लगा के दूसरा बना के लगता, मगर अब यहाँ पे कोलिजन होने के भी चांसेस हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंपल रहता है क्योंकि इसमें कुछ खास रहेगा नहीं। अब आप चाहो तो ये जो एरोज हैं इनको अपना टेढ़ा मेढ़ा कर लो, जैसे क्वांटम में दिया है खतरनाक तरीके से, तो अगर आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, ये रहा ठीक है, और उससे खतरनाक ये वाला है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस मछली बननी चाहिए, ठीक है। और चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, इसके दो एप्लीकेशंस है। स्कैटर डायग्राम पे आ जाओ, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये भी आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप का। हेल्प टू आइडेंटिफाई पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, कोरिलेशन ट्रेंड्स बिटवीन वेरिएबल बाई प्लॉटिंग डेटा पॉइंट ऑन ग्राफ, तो ये कोरिलेशन ट्रेंड्स को भी बताता है, दो चीज को जोड़ करके, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर टू वेरिएबल, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो पेयर में रहती है, ठीक, ये कहने का मतलब है। अब देखो ग्राफ देख लो, ये एक गाड़ी है, ठीक है, जिसका स्पीड और माइलेज आपको गैस माइलेज यहाँ पे ग्राफ पे मिलेगा, तो गैस माइलेज है, ठीक है, यहाँ पे, और ये हमारी स्पीड है, तो आप जानते होंगे कि स्पीड बढ़ाओगे तो माइलेज डिक्रीज होगा, है ना, जो एवरेज होता है वो डिक्रीज करेगा। देखो 30 की स्पीड पे क्या है आपका, 30 को हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिखा, 45 हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, ये 45 हमारा क्या है वाई एक्सिस पे। अब सेम आप देखोगे 60 से बढ़ा रहे हो, 60 से बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा, 60 है ये और माइलेज कितना मिल रहा, 20, तो यही चीज़ है, सिंपल सा ट्राइंगल व्राइंगल बना लेना, ठीक है, ऐसे रहता है, और वैल्यूज जो रहेंगे तुम्हारी दो कोऑर्डिनेट में रहेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे ले लें तो ये 50 हो गया, ये नीचे आया, ये 40 आया, है ना, तो 40 और ये तुम्हारा 50, ठीक, आई होप सो क्लियर होगा आपको। फिर एडवांटेजेस देख लो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझ ही रहे हो, कोरिलेशन एनालिसिस करता है, लिमिटेड टू टू वेरिएबल्स, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, वैसे सस्ता डिसएडवांटेज है। सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है,
वही सेम जो पुराने वाले में था, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब दो लोग सेम बना सकते हैं इसको भी। एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कटिंग स्पीड एंड टूल लाइफ, ये आपको देखने को मिलेगा कटिंग स्पीड एंड टूल लाइफ में। एक्सीडेंट्स एंड ईयर्स विद ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सीडेंट हुए हैं उस मशीन को लेके एक ईयर में, ठीक है, तो ये चीजें होगी। एप्लीकेशन क्या है, डेटा एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, सेम, ठीक है। अब चलिए आपको, आई होप सो ये चार्ट आपको क्लियर होगा, ये चार्ट बना हुआ है जैसे मैंने वो भी बनाया था एकदम सेम, तो ये है आपका चार्ट, तो इसको एक बार देख लेना, इजिली समझ जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सेव हार्ट्स कंट्रोल चार्ट्स, सेव हार्ट्स कंट्रोल चार्ट क्या होता है, सेव हार्ट्स या जो भी पढ़ो भाई इसको, सेव हार्ट भाई साहब थे जिन्होंने ये बनाया था, ठीक है, डॉक्टर वॉल्टर ए सेव हार्ट, तो वॉल्टर डॉक्टर जो थे उन्होंने इसको बनाया था एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेथड, तो इसको एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मेथड उन्होंने बनाया था और इसका इस्तेमाल कई जगह होता है। ऑल्सो नोन एज एस पी सी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आ सकता है SPC, ठीक है। ग्राफिकल टूल्स यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस वेरिएशंस ओवर टाइम, तो ग्राफिकल टूल्स होते हैं इसमें जो कि मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके प्रोसेस वेरिएशन को, प्रोसेस में जो वेरिएशन आता है ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ जो प्रोसेस में वेरिएशन आता है उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। डेवलप्ड बाई हो गया एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। इन नेचर टू एक्सट्रीमली सिमिलर थिंग्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ओनली बाई चांस, सेम विथ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो देखो इस धरती पे, इस प्रकृति में किसी भी चीज को तुम दो एग्जैक्टली नहीं बना सकते, समझ जाओ। मान लो तुम एक कंपनी में मान लेते हैं कोई साफ्ट बना रहे हो, ठीक है, साफ्ट बना रहे हो तुम, और मशीन मशीन है, तो अब क्या सोच रहे हो कि जो एग्जैक्ट आइडेंटिकल बनता होगा, जैसे इस दुनिया में नथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ आइडियल ही लेके चलते हैं हम लोग, तो मतलब 0.00001 0.0001 इतने का ही फर्क हो, मगर फर्क होता है, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो कि ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में, इस धरती पे मशीन हो चाहे इंसान हो, एकदम आइडेंटिकल नहीं बना पाते हैं, उसमें माइनॉरिटी मतलब माइन्यूट सी मगर होती है, ठीक है, आपकी क्या सिमिलरिटी नहीं रहेगी, थोड़ा सा आपका कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। ये सेम प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ होता है, आप साफ वाला एग्जांपल ले सकते हो। इंडस्ट्रीज में मेन मटेरियल मशीन हम लोग यूज करते हैं और वहां पे वर्क वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, वहां पे आपको वर्क वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, भाई एक इंसान एक ही प्रोडक्ट को बना रहा है, उसमें ही आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे, कह लो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग वो स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, है ना, जो पैरामीटर्स रहेंगे आपके, जो आप जो मेजर करते हो, वैल्यूज जो रहेंगी, मेजरमेंट वैल्यूज वो अलग होंगी, भले वो पॉइंट में ही क्यों ना हो। वेरिएशंस आपके दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स ड्यू टू असाइनेबल कॉजेस, तो असाइनेबल कॉजेस क्या होता है, आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस, तो इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और एड्रेस करते हैं, ये हमारे मशीन माल फंक्शन के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स एरर हो गया, मटेरियल इशू हो गया, चेंज इन एनवायरमेंट, तो ये सारी चीजें, टेम्परेचर भी बदल जाएगा, भाई टेम्परेचर बदलेगा, अब आप कहाँ माइक्रो लेवल पे देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर बदल गया, गर्मी मान लो 1 डिग्री बढ़ गई, तो भी आपका साइज सेप थोड़ा बड़ा बढ़ेगा, छोटा होगा वो रहेगा ही, ठीक है। ऑपरेटर्स एरर, ऑपरेटर्स का एरर हो सकता है, और मटेरियल इशू, सारी चीजें, ठीक है। वेरिएबल ड्यू टू चांस कॉसेस, तो चांस कॉसेस क्या होते हैं, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन एंड प्रोसेस, तो मशीन और प्रोसेस के जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी बात कही गई है। लिमिट्स ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या होता है, देख लो, ये हमारा क्या है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल नंबर के बीच का ग्राफ, तो यहाँ पे एक मीन वैल्यू है, ठीक है, मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू है, ये आपका लोअर लिमिट है, आपका अपर लिमिट है, तो जब ध्यान से देखो, अपर लिमिट में आपकी ये जो वैल्यूज हैं, है ना, जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे बना, 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 तो ये प्रोसेस इन कंट्रोल है, प्रोसेस कंट्रोल में है, मगर जैसे ही ये प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब ये सामान हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस प्रोसेस मॉनिटरिंग वही सेम है, क्वालिटी कंट्रोल सब में, यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट, मॉनिटर एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस सेम है, रूट कॉज वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है।
चलिए अब फटाक से थोड़े चिंदी चिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर चार्ट। तो आर चार्ट होता क्या है ये जान लो। ये आर चार्ट आपके डेटा को ही इंटरप्रेट करता है, बताता है कैसे क्या डेटा हो रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे कंस्ट्रक्शन देख लो। एक्स एक्सिस पे आपका सैंपल नंबर्स होगा, एक्स एक्सिस पे आपका सैंपल नंबर होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए इससे पहले एक टॉपिक और कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है काम में आ जाए आपके। तो वो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी कर्व। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया था बट फिर सोचा कि इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ जब आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा, ऑल्सो नोन एज ओसी कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के नाम से इसको जानते हैं। डिपिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट बैच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी लेवल ऑफ दैट लॉट। ये बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो एक लॉट बन के तैयार हुआ है, जो एक बैच बन के तैयार हुआ है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा, समझे। मतलब कि एंड क्वालिटी लेवल ऑफ दैट लॉट। तो ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग और क्वालिटी लेवल, समझ गए। अब ग्राफ से समझोगे और आसान आएगा। एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी आपकी वाई एक्सिस पे होती है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है ये आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। और ये परसेंट डिफेक्ट्स आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। ध्यान से देखो, क्वालिटी लेवल जो आपका एक्स एक्सिस पे है, इसमें आप डिफेक्ट रेट, डायमेंशन, एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस सब चीजें डाल सकते हो, कुछ भी। कंसीडर सैंपल प्लान। तो एक सैंपल साइज है हमारे पास 50 सामान हम बना रहे हैं। 50 सामान में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर एक सामान खराब निकलता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर अगर दो सामान खराब निकला तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर एक सामान खराब निकला हमने उसे लेना है, अगर दो सामान खराब निकला तो वो रिजेक्टेड है, ठीक। अब आओ, अब ध्यान से देखो ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है। तो जैसे एक पे देखो, एक पे क्या है, एक पे ये आप जाओगे ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे नौ के पास पहुंच रहे हो आप, ठीक है, पॉइंट नौ पास। तो पॉइंट नौ में क्या हो रहा है कि 1% वाला जो है आपका, 1% डिफेक्ट के चांसेस क्या है, 90% चांसेस हैं कि वो आपका एक्सेप्ट हो जाए, 10% चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो तो लिया ही जाएगा। तो एक वाले को आप 10 के पास मान सकते हो, ठीक है, एक वाले को आप 10 के पास मान लो, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप देखो, जैसे छठवां पॉइंट है, छठवां वाला क्या है, छठवें पे आप देखो ये आया पॉइंट ऊपर गया। तो छठवें पे कह रहे हैं कि छठवां वाला जो है वो बहुत खराब है ना। डिफेक्ट रेट कितना है, परसेंट डिफेक्ट कितना है, 6 मतलब 60, बहुत खराब है, ठीक है, बहुत खराब है। मगर उसके बाद भी उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या है, 20%। अब दो टर्म यहाँ पे आते हैं। पहला क्या है, प्रोड्यूसर्स रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाल्सली रिजेक्टिंग अ गुड प्रोडक्ट एज डिफेक्टिव। तो प्रोड्यूसर का रिस्क ये होता है भाई, मान लो ये दूसरा वाला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट एट है, रिजेक्शन नंबर पॉइंट एट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80% जो है रिजेक्शन चांसेस, 80% इसकी एक्सेप्टेंस है, 20% रिजेक्शन चांसेस है। भाई कस्टमर आया, उसने आपके 50 आइटम रखे थे, 50 में से पहला उठाया, खराब है, दूसरा उठाया, नहीं खराब है। अब यहाँ पे ध्यान रखो क्या हुआ, उसने कहा था कि हम दो प्रोडक्ट देखेंगे, अगर दो खराब हुए तो हम नहीं लेंगे, अब दोनों खराब निकल गए, तो ये हो गया प्रोड्यूसर रिस्क। अब वो सामान नहीं लेगा भाई, उसने दो सामान देखा, दोनों से खराब दिखे। अब सब्जी लेने जाते हो, टमाटर वाला क्या कहता है, भर लो भैया, है ना। तो आप पहले एक टमाटर देखते हो, अरे यार, दूसरा देखते हो, अरे ठीक है, तीसरा देख रहे हो, मजा नहीं है भैया, ठीक है, आज वो हमको याद है टमाटर है घर में रखा हुआ है, तो आप वहां से निकल लेते हो, ठीक है। तो वही है कि प्रोड्यूसर रिस्क। अब प्रोड्यूसर रिस्क हो गया भाई कि आपके हाथों में तीनों आए, तीनों खराब गए। अगर वहीं पे आपने पहला उठाया, अरे भाई बहुत बढ़िया है, आप उठाए तो आप उसको पूरा खरीद, भैया 1 किलो तौल दो, अब आपका जो ट्रस्ट बन गया भैया, तो उसका फायदा हो गया। अब यही चीज यहाँ पे देखो, ये कंज्यूमर रिस्क क्या होता है, 60, ये क्या है यहाँ पे, 20% एक्सेप्टेंस है, 20% एक्सेप्टेंस है, ठीक है। आप गए, आपने कहा हम दो सामान चेक करेंगे तुम्हारा, अगर हमको अच्छा दिखा हम खरीद लेंगे। भाई आप गए, पहला उठाए एकदम चमचमाता मजा आ गया, दूसरा उठाए एकदम चमचमाता मजा आ गया, आप खरीद लिए। घर आए, देख रहे हो कि आपका तो कट गया,
इतना बुरा सामान आपको दे दिया कि आप देख रहे हो कि एकदम खराब है। आप दो सामान चेक कर रहे हैं जो कि आपको चेक करना था 10-12 में शायद वो गलती पकड़ी जाती, उसकी चोरी पकड़ी जाती, ये जो गंदा सामान रख के बेच रहा है। तो अब यहाँ पे आपका कट गया, तो अब कंज्यूमर रिस्क है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एज गुड। तो यहाँ पे ये आपका ये जो इतना एरिया होता है ये कंज्यूमर रिस्क होता है, और ये जो इतना एरिया होता है, ठीक है इतना कह लो, ठीक है जो भी आपको कहना है, ये यहाँ पे ये पूरा आपका प्रोड्यूसर रिस्क होता है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहाँ थे, आई होप सो लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन एनालिसिस ऑफ आर चार्ट। देखो आर चार्ट क्या होता है, सिंपल सा ये आपके वैल्यूज को डिपिक्ट करता है, ग्राफ वगैरह बनाने में हेल्प करता है। ठीक है अब अगर आर चार्ट देखोगे तो कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसकी बात हम लोग कर लें। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे आपको सैंपल नंबर्स लिखने हैं, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ये हो गई, यहाँ पे हमने सैंपल नंबर्स लिख दिए। ठीक है वाई एक्सिस पे रेंज वैल्यू या सैंपल रेंज, तो हमने यहाँ पे सैंपल रेंज लिख दिया वाई एक्सिस पे। फिर क्या एवरेज रेंज इजक्वल टू आर बार इजक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन। तो एवरेज क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है हमारी, जैसे मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन में देखो ये वैल्यू वैल्यू दी गई है हमको, तो हमको आर बार निकालना है, आर मीन समझ लो मीन ऑफ आर। तो आर बार क्या हो जाएगा, जितने नंबर हैं इसमें सबको जोड़ दो और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो, सबको जोड़ा 10 से डिवाइड किया आ गया 8.4। ठीक है हमारा आर बार की वैल्यू आ गई, आर बार की वैल्यू आ गई भैया आ गई, ठीक है डन। ठीक है फाइंड कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट D4R और D3R। अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे D4 क्या होता है और D3 क्या होता है, ये D4 D3 ना एक टेबल से लिए जाते हैं, वैसे तो आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा। ठीक है D4 क्या है D3 क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारे सैंपल साइज 6 के लिए हमको यहाँ क्वेश्चन बोला है सैंपल ऑफ ई ऑफ साइज 6, तो 6 के लिए हमको यहाँ कहीं देना चाहिए था इनको कि D3 इतना है D4 इतना है। ठीक है अब नहीं दिए हैं उस, तो फिर आपको एक टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने मिलेगा, D4 की वैल्यू 2.004 मिल जाएगी आपको टेबल से, D3 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। UCL क्या है, D4R आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। D4R मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, मगर इस मतलब इसका ये कि इसके बाहर गया प्रोडक्ट तो खराब है, हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है इसके अंदर होना चाहिए 16.834 सॉरी 834, ठीक है इसके अंदर होना चाहिए। LCL क्या है, D3R बार, तो यहाँ पे D3 कितना 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे आपकी ये लोअर कंट्रोल लिमिट 0 है। अब मान लो अगर ये 0 ना होके 1 या 2 होती तो आपकी यहाँ कहीं आता, जो भी रहता D3 × R बार करते हम लोग, आर बार हमारा 8.4 है, 2 नहीं तो 1 या 0.1 कर लेते जो भी रहता, तो हमारी वैल्यू यहाँ कहीं के आसपास आएगी। तो हमारा कंट्रोल लिमिट क्या है 8.4 इजक्वल टू आर, तो ये हमने बीच में 8.4 बना दिया है। ठीक है अपर कंट्रोल लिमिट हमारी 16.834 आई, इसको हमने यहाँ बना लिया और यहाँ पे ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इस तरीके से आपका आर चार्ट बन जाता है, सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है चलिए आगे बढ़े, तो कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको हम लोग रेंज चार्ट कहते हैं। ठीक है और ये आई होप सो ये सब क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स बार चार्ट, तो यूज फॉर कंट्रोलिंग एवरेज क्वालिटी ऑफ चार्ट्स। तो इन लोग इसको यूज करते हैं एवरेज क्वालिटी ऑफ चार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सैंपल्स देख लो X1 X2 ड्रॉन फ्रॉम प्रोसेस, तो X1 X2 को हम लोग प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है अब यहाँ पे वही सिंपल सा फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल, एक्स बार निकाला सिग्मा एक्स अपॉन आर एन, जैसा कि ऊपर हमने किया था वही चीज हमने यहाँ पे किया है। फाइंड द मीन ऑफ सैंपल मीन्स, यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है, हमको एक्स बार का बार निकालना है, मतलब सिग्मा एक्स बार ये जो वैल्यू आई उसको उठा के यहाँ रखेंगे अपॉन एन। ठीक है एन ही है आपका, तो ये हमको मिल जाएगा। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इस फॉर्मूले से आप स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। UCL LCL के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, ठीक है रट करके इनको आप जब लिखोगे तो ईजिली आपके सवाल सॉल्व। ठीक है अब चलिए आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पी चार्ट्स। तो पी चार्ट्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन चार्ट इज कंट्रोल चार्ट, मतलब ये जो आपका पी चार्ट होता है इसको हम लोग प्रोपोर्शन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कंट्रोल चार्ट, ये हमारा कंट्रोल चार्ट है, यूज टू मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन सैंपल। तो इसका हम लोग यूज करते हैं डिफेक्ट्स के प्रोपोर्शन को मॉनिटर करने के लिए, कि डिफेक्ट कितने अनुपात में है, किस किस समझ लो प्रोपोर्शन में है ना।
यूजफुल हुआ है, डेटा इज बाइनरी और कैटेगराइज बाई कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग। तो ये ज़्यादा यूजफुल वहाँ पे होता है जहाँ पे कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग होते हैं, ठीक है, बाइनरी होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं, समझ लो, ठीक। अगला है प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ये लाइन याद करना अच्छी है, प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम अलाउंग टाइमली करेक्शन। तो ये प्रोसेस परफॉर्मेंस को दिखाता है और उसके साथ साथ टाइमली करेक्शंस को भी बताता है। हेल्प्स टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये हमें मदद करता है कंसिस्टेंट क्वालिटी के लिए। और फ्रैक्शन डिफेक्टिव देख लो, फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ यूनिट डिफेक्टिव अपॉन टोटल यूनिट एक्सपेक्टेड। तो जितनी यूनिट्स डिफेक्टिव हैं अपॉन में कितनी हमने चेक की, मान लो 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट हमारी एक्सपेक्टेड थी, ठीक है, और उसमें से हमको 100 जो है क्या मिली, डिफेक्टिव। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट, आपके दो जीरो कट गए, 0.01, ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव आया। फिर परसेंट डिफेक्टिव क्या है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 10%, ठीक है, 10% हमारा यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है फ्रॉम क्वांटम, आइए देख लेते हैं क्या है पी चार्ट। तो पी चार्ट भैया कहाँ पे है हमारे, हाँ तो ये रहा हमारा पी चार्ट, ठीक है। पी चार्ट देख लो, सबसे पहले क्या है, स्टेप वन कैलकुलेट द एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी बार। तो कोई भी क्वेश्चन हो तुमको बार वाला निकालना है, पी का चार्ट है तो पी बार, आर का तो आर बार, एक्स है तो एक्स का बार, ठीक है। कंप्यूट सिग्मा द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी बार, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मतलब ये सिंपल से ये याद कर लेना, ठीक है। और फिर आगे चलें तो कैलकुलेट द अपर कंट्रोल लिमिट, फॉर्मूला रटना पड़ेगा भाई, ठीक है, फॉर्मूला रट लोगे काम हो जाएगा। और ये रट लिए उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ, वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है। एक बार जब तुम समझ गए तो वैल्यूज को उठा उठा के रखना होता है, अपर कंट्रोल लिमिट निकाल लेना, लोअर कंट्रोल, जैसे यहाँ पे 0.0042 है, जीरो नहीं है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे भी प्रोडक्ट आता है तो आपका डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही चीज समझने वाली है और कुछ नहीं है, सब फॉर्मूला पे बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला रट डालो, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये आपका कंस्ट्रक्शन आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सी चार्ट देख लेते हैं। तो यूज फॉर मॉनिटरिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन फिक्स सैंपल साइज ओवर टाइम। तो हम यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स को जो है मॉनिटर करते हैं, जो कि फिक्स सैंपल, हमारा सैंपल साइज है वो फिक्स है और टाइम के साथ साथ हम उसमें डिफेक्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। टिपिकली यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये तब यूज होता है जब सैंपल साइज हमारा कांस्टेंट होता है पहला, ठीक है। और अब देखें अगर दूसरा तो क्या है, टिपिकली यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड हेल्प इन डिटरमाइनिंग, सबकी थ्योरी सेम है, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन सब में चिपका देना, ठीक है, सही हो जाएगा, बढ़िया वर्ड भी है, नंबर भी दे देगा। यूजफुल वेयर प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स, इंजन और मशीन टूल में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी प्रोडक्शन, तो जहाँ पे लो क्वालिटी प्रोडक्शन रहती है वहाँ पे भी बहुत यूजफुल होता है। तो हमारा क्या है सी चार्ट, सी चार्ट देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा आपका सी चार्ट। सी चार्ट में भी क्या है, कुछ है, कंट्रोल लिमिट लाइन सी बार हमने निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट में क्या है, यूसीएल, यूसीएल का ये फॉर्मूला है, एलसीएल का ये फॉर्मूला है, निकाल लो, ये रहा ग्राफ, ग्राफ में ये चीज़ें रहीं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकाला, 9 आया हमारा, क्या है सी बार, सी बार 9 आया, ये लाइन हमने 9 पे खींच दी, ठीक है, कोई दिक्कत, मीन वाली कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट 9 आ गया, एक एक को उठा के बना दो, 7 पे बनाओ 7 पे बनाए, 12 बनाओ 12 पे, 3 पे 3 पे, और 20 21 5, तो ये आपका 20 हो गया, 21 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक, ऐसे सबको ड्रॉ कर दिया, लाइन बना के जोड़ दिया, ठीक। अब LCL UCL निकाल लो, UCL क्या है, सी बार प्लस 3√7, तो हमारा क्या है सी बार हमने निकाला 9 आया है, प्लस 3√7 रूट सी बार, तो ये 9 का 3 हो गया, 3 3 9, और आई थिंक 12 आना चाहिए, कुछ कितना दिए हैं आपकी, 18 दिए हैं, ठीक है। अब ये देखो अपर कंट्रोल लिमिट 18 आ गया, लोअर कंट्रोल लिमिट आ गया हमारा 0, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, काम खत्म, 10 नंबर ले गए, ठीक है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये कर लेना, दैट्स इट, यूनिट नंबर आपकी 3 यहीं पे ख़त्म होती है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक बार जो है चार्ट्स हैं, चार्ट्स तुम्हारे पूरे पूरे फर्जी है, समझ लो, पूरा पूरा वो थ्योरी है, उसमें कुछ खास है नहीं,
जो हाँ मेन बात है एलसीएल यूसीएल की वैल्यू तुमको याद रखनी है सारे चार्ट्स के लिए। और अगर थ्योरी की बात करें तो सब में सेम है, एक थ्योरी लिख लो मेरी मानो तो, जैसे यानी प्रोपोर्शन चार्ट ये वो चार्ट, तो प्रोपोर्शन चार्ट रेंज चार्ट ये नामों थोड़ा अदले बदले हैं बस, बाकी आप देखोगे तो क्या है मॉनिटर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट, मॉनिटर करता है ये भी सारे भी करते हैं ठीक है, इसमें नॉन कन्फर्मिंग कन्फर्मिंग है, बाकी प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किस में नहीं है बताओ तुम्हें, सब में है ना। तो वही है कि एक डिफिनेशन देख लो, बाकी मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा जो यूनिवर्सल रहेगी, कोई भी आएगा उसमें चिपका दोगे पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है, तो वो चीज़ देख लो। और ऊपर से एलसीएल की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, एलसीएल की यूसीएल की वैल्यू ठीक है, और फ्रैक्शन डिफेक्टिव ये सब चीज़ें देख लेना, बाकी अगर टाइम ले तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम देख लेना ठीक है, कंट्रोल लिमिट थ्योरम है या सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो भी है उसको देख लेना, अगर टाइम मिले तो, नहीं है तो इतना करके जाओ दैट्स इट ठीक है। और जो एक चीज मैं बता रहा हूँ देखो, अभी तो मैंने न्यूमेरिकल नहीं कवर किए हैं, बट न्यूमेरिकल कवर करने लायक भी नहीं है क्योंकि पूरे फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो पहले फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटने के बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करो, खुद ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूँ तुम आराम से करके आओगे ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो पूरा चैप्टर तुम छाप सकते हो उसमें और बढ़िया नंबर ला सकते हो। तो बस इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 4 या 5 की वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है या फिर कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, और हमारी मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए प्यार बनाए रहिए, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।